लोन ये कितना है? 3 साल। अब आपको यहाँ पे निकालना है पर ये इंटरेस्ट, इतना तो आपको पता है 10% इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन पर ईयर इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कितना है? उसके लिए आप क्या करते हैं, एक्चुअल आप लोन अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। फिर आपको यहाँ निकालना है टोटल इंटरेस्ट, इसके लिए आप क्या करते हैं, एक्चुअल आपका पर ईयर जो इंटरेस्ट अमाउंट है इसका सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर, एंटर करेंगे 3 साल में कितना हो जाएगा, 1,50,000। जब 1 साल का 50,000 है 3 साल से यही होगा। अब आपने बैंक से लोन लिया 5 लाख, जब आप लोन का अमाउंट वापस करें लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों पे करें तो आप यहाँ क्या निकाल लेंगे, लोन प्लस इंटरेस्ट टोटल जितना अमाउंट आपको पे करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, एक्चुअल आप लोन का अमाउंट प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। लोन का अमाउंट 5 लाख और इंटरेस्ट तो 1,50,000, टोटल कितना हो जाएगा, 6,50,000। अब आपको यहाँ लिखना है इंस्टॉलमेंट, आप 1 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, जैसे 6 कर रहे हैं आप, आपने यहाँ पे लिख दिया 6, जब 1 साल में 6 दे रहे हैं तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी, आप यहाँ निकाल लेंगे टोटल इंस्टॉलमेंट। अब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 1 साल में 6 है तो आप क्या करेंगे, इक्वल आते हैं पर ईयर इंस्टॉलमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे लोन ईयर, एंटर करेंगे टोटल कितनी हो जाएगी, 18। अब आपने निकालना है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट पे करेंगे, इक्वल लोन प्लस इंटरेस्ट में डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। इतने में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। कर लेंगे इतना, कोई डाउट तो नहीं। अब अपन चलते हैं टैली। अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बैंक से लोन ले रहे हैं, आप वाउचर एंट्री किस में करेंगे, F6 से, रिसीव वाउचर। अभी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आ रहा, आप F12 प्रेस करना और ये वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे यूज क्रेडिट और डेबिट, इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर देना और एंटर कर दीजिए, सेव कर देना। तो यहाँ पे 2 और बाय आने लगे, ठीक। अब आप 2 में क्या लिखेंगे, बैंक लोन, अल्टा प्लस सी से SBI बैंक लोन का ले जाना, अंडर में आ जाएगा आपका लोन लाइब्रेरी, एंटर करके सेव। 5 लाख रुपए लिया था अपने, अमाउंट डाल देंगे 5 लाख। बाय में आ जाएगा केस, अपने पास बिजनेस में केस आ रहा है लोन ले रहे हैं, एंटर करके सेव। आपने लोन तो ले लिया, अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक, तो वो एंट्री आप किस में करेंगे, F7 से जनरल वाउचर में। बाय में आ जाएगा इंटरेस्ट, अल्टा प्लस सी से इंटरेस्ट अकाउंट का ले जाना नहीं, अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। आप इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, आप टोटल इंटरेस्ट 1,50,000, और 2 में आ जाएगा SBI बैंक लोन, एंटर करके सेव। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, पेमेंट वाउचर, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो बाय में आ जाएगा SBI बैंक लोन, एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, ये 36,111, आप यहाँ डाल देंगे 36,111, और 2 में आ जाएगा केस, अब अपने पास से केस जा रहा है, एंटर करके सेव। इतने और क्वेश्चन इतने, अब अपन बोल, मोहन से माल खरीदना है, एंट्री अपन करेंगे F9 से परचेज वाउचर, माल खरीदना है एस वाउचर सेलेक्ट करना, मोहन से माल खरीदा तो 2 में क्या लिखेंगे, मोहन, अल्टे प्लस सी से मोहन से अकाउंट का लेजर बना ली, अंडर में आप इसको डाल देंगे सेंट्री क्रेडिटर से, क्योंकि माल अपन खरीद रहे हैं, एंटर करके सेव अमाउंट 90,000।
क्वेश्चन बोल रहे थे आप माल खरीदने वाले ना, यहाँ पर अपन एक भाव से सिलेक्ट कर लेते हैं। टू में अपन ने लिखा था यहाँ पे मोहन लेजर नहीं बना था, अल्टे प्लस सी से मोहन से काम का लेजर बना लेते हैं। तो ये सामने दूसरी है किधर? हाँ ये शायद दूसरी है क्योंकि वो नहीं आ रहा पैरों में। अरे मैंने किस नाम से बनाई तुमने? महाकाल ग्रुप के नाम से बनाई थी। क्या नाम दिया था कंपनी को? महाकाल ग्रुप था कि महाकाल ट्रेडर्स? हमें तो याद है सर यही। यहाँ पे आप न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे तो बाय में आ जाएगा परचेज, एंटर करके सेव। माल ट्रांसफर करना है तो एंट्री आप करेंगे इन्वेंट्री वाउचर में, शॉर्टकट की होती है टी। टी प्रेस करेंगे तो इन्वेंट्री वाउचर पे आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लेकिन क्या ट्रांसफर करना है? वीवो मोबाइल। अभी कहाँ पे आपके पास गोडाउन बन है, कितने पीस करना? 3 पीस है। एंटर कर, एक का रेट कितना था? 15,000, वही आ जाए। एंटर करते फिर एंटर, क्या ट्रांसफर करना है? वीवो मोबाइल। कहाँ करना है? मेन लोकेशन पे। कितने पीस? 3 पीस। एंटर करेंगे सेव करते हैं। यहाँ पे डालना है वो लोकेशन जहाँ पे अभी है और यहाँ डालना है वो लोकेशन जहाँ आपको ट्रांसफर करना है। एंटर करके सेव। और बोलिए, 10,000 वाउचर एंट्री आप करेंगे F5 से पेमेंट वाउचर। केस ने केस चोरी हुआ एंट्री किसमें हो जाएगी? पेमेंट वाउचर। बायर में आ जाए तो लॉस बाय थीफ, अल्टे प्लस सी से लॉस बाय थीफ का लेजर बना लें। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना? और टू में आ जाएगा केस, एंटर करिए से। अब मिला लीजिए आपको बैलेंस। कितने क्वेश्चन थे? कितनी आ रही है आप? कितनी आ रही है तो? एक सेकेंड, इसमें 1 किलो साइज कम हो गई, 10 लाख था ना? अब मिलाइए आप बैलेंस शीट। सही आ रहे? इतने में जो डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलेंगे इतना ठीक।